हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल विद्यास थालीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 8 का सीबीएसई एनसीईआरटी का हिस्ट्री आवर पास्ट फर्स्ट में से चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट, इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं जिसमें हमने बात की है कि हिस्टोरियंस की हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, कैसे पेरेडाइज किया जाता है और तो और हिस्टोरियन लोग के लिए कौन से सब्जेक्ट ज्यादा मैटर करते थे, ये सारी बातें हमने डिस्कस की है और अपने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। और आज हम बात करेंगे कि कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनाइजेशन कैसा होता है और ब्रिटिशर्स ने कैसे कॉलोनाइज किया इंडिया को और उस कॉलोनी का इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया पर, यानी हम इंडियंस के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर, हमारी सोसाइटी इकोनॉमीज के ऊपर कॉलोनाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग रहने वाला है और हिस्टोरिकल नॉलेज से भरपूर रहेगा स्टूडेंट्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर फटाफट उन प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप देख लिया है तो चलिए बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनी की। जी हाँ, हमें बात करने की कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनाइजेशन क्या होता है और हम बात करेंगे कि कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इस टर्म कॉलोनी के बारे में। जी हाँ, क्या होता है कॉलोनी, कॉलोनी किसे कहते हैं, कॉलोनी किसे कहते हैं, तो आपके घर में घर के आसपास आपका मोहल्ला जो कॉलोनी है उस कॉलोनी की बात नहीं हो रही, शांति कॉलोनी, पवार कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी, इस कॉलोनी की बात नहीं हो रही। कॉलोनी मीन्स वो एरिया जो दूसरी कंट्री के अंडर होता है। जी हाँ, द एरिया विच इज, एरिया को क्या कंट्री बोल दीजिए, एरिया छोड़िए कंट्री बोलिए, द कंट्री विच इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्री, ऐसा देश जो अपने रूल्स के रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, दूसरे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चल रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉलोनी। जी हाँ, द कंट्री विच इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्रीज रूल। तो कैसे हम लिखते हैं, द कंट्री, क्या लिखते हैं इसको, द कंट्री विच इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ, विच इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्रीज रूल, अदर कंट्रीज, द कंट्री विच इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्रीज रूल इज कॉल्ड कॉलोनी, ऐसा देश जो दूसरे देश के रूल्स रेगुलेशन के तहत दबा हुआ हो उनके ही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे, अपने रूल्स रेगुलेशन छोड़ के, अपने नियम कानून छोड़ के दूसरों के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़े, उस कंट्री को हम कहते हैं कॉलोनी। जी हाँ, द कंट्री विच इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्रीज डोमिनेशन और रूल, द कंट्री विच इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड कॉलोनी। तो ये हो गए कॉलोनी। एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया ही कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स ने आके कब्जा किया था और हमारे ऊपर अपने रूल्स रेगुलेशन जबरदस्ती थोप दिए गए, हमें जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया, हमें जबरदस्ती उनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने का टैक्स देने के लिए, क्रिसमस जैसा फेस्टिवल, क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन बनने के लिए, क्रिसमस फेस्टिवल अपनाने के लिए, उनके जबरदस्ती रूल्स रेगुलेशन जो वो चाहते थे वो हमारे ऊपर थोपे गए और हमने फॉलो करना पड़ा मजबूरी में ना चाहते हुए भी, जिसके वजह से हम कॉलोनी बन गए, यानी कि इंडिया एक कॉलोनियल कंट्री थी पास्ट में, ठीक। लेकिन अब हम आजाद हुए 1947 15 अगस्त को, जब फ्रीडम मिली तो हम लोग आजाद हो गए, कॉलोनी नहीं रहा, इंडिया वाज नॉट नो लॉन्गर अ कॉलोनी स्टेट और कॉलोनी कंट्री, ठीक। तो ये तो बात हुई कॉलोनी की। अब बात आता है कॉलोनाइजेशन क्या होता है, कॉलोनी की बात तो हमने कर ली, अब बात करते हैं कॉलोनाइजेशन क्या, व्हाट इज कॉलोनाइजेशन, ये कॉलोनाइजेशन क्या है, क्या होता है जब एक कंट्री क्या करती है, सबजुगेट करती है, सप्रेस करती है दूसरी कंट्री को, जिसके वजह से उस कंट्री के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस आ जाते हैं, इसको कॉलोनाइजेशन बोलते हैं। कॉलोनी मतलब क्या, एक कंट्री को बस सप्रेस करना, और कॉलोनाइजेशन मतलब क्या, सप्रेस करने के बाद पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो कैसे डेफिनेशन लिखी जाती है, डेफिनेशन कैसी लगती है, व्हेन सेपरेशन, देखो ध्यान से देखिएगा, व्हेन सेपरेशन ऑफ वन कंट्री, व्हेन सेपरेशन ऑफ वन कंट्री, एक देश का सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ वन कंट्री लीड्स, वन सेपरेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अदर, ओवर अदर, वन कंट्री ओवर अदर, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री को सताने लग जाए, व्हेन सेपरेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री, ओवर अनदर कंट्री, यहां तक तो हम समझ रहे कि कॉलोनी की बात चल रही है, यहां तक कॉलोनी की डेफिनेशन लगभग ऐसी है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को सताती है, when separation of one country over another country, जब separation of एक कंट्री हो दूसरे कंट्री के ऊपर तब क्या होता है, leads to जब हो, leads to political, social, political मतलब राजनीतिक, यानी पॉलिटिक्स में चेंज आए, social समाज में चेंज आए, और इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमी आर्थिक स्थिति, यानी कि कह सकते हैं
कि जो भी महंगाई हो, गरीबी हो, यानी ये सब समाज में आ जाए, इसका चेंज आ जाए कुछ, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंज लीड टू पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल चेंजेस देन इट इज, ठीक है, क्लियर, देखिएगा, देन इट इज कंसिडर्ड एज, देन इट इज कंसिडर्ड एज कॉलोनाइजेशन, देन इट इज कंसिडर्ड एज कॉलोनाइजेशन। स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं कॉलोनाइजेशन। आपके सामने डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है क्या? व्हेन सेपरेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री लीड्स टू, जब एक कंट्री का सेपरेशन दूसरे कंट्री के ऊपर लीड करता है, व्हेन सेपरेशन ऑफ वन कंट्री लीड्स ओवर अनदर कंट्री लीड्स टू, क्या होता है? पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज और इकोनॉमिकल चेंज। जी हाँ, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, दैट इट इज कंसिडर्ड कॉलोनाइजेशन, तब उसे क्या कहते हैं? कॉलोनाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, बहुत ही इजी सिंपल डेफिनेशन है। यहां दो डेफिनेशन को मिला के बनी है। आप एक डेफिनेशन याद कर लो, दो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। कैसे, अभी बताते हैं। When separation of one country over another country, when there is separation of one country over another country, then it is called colony. देख लो, when country one one country is under the domination of another country, when separation of one country is over another country, इसी को तो colony बोलते हैं। यहाँ तक colony की definition है, same definition यहाँ भी है जो हमने अभी पढ़ी just, ठीक, तो colony की definition होगी। फिर उसके आगे जो चीजें add है, it leads to, leads किस में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? Political change हो रहा है, क्या हो रहा है? सोशल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिकल चेंज हो रहा है। व्हेन डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री ओवर अनदर कंट्री लीड्स टू पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस, देन इट इज टर्म एज कॉलोनाइजेशन, तब उसे क्या कहा जाता है? कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। जी हाँ, उसे ही कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। अब कॉलोनाइजेशन का असर क्या होता है? कॉलोनाइजेशन में आप अपने मन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते। कॉलोनाइजेशन में आपको दूसरे के द्वारा, जो कॉलोनियल कंट्री होगी, जिसने आपको ऊपर कब्जा जमाया है, जिसने आपको जबरदस्ती फोर्स किया है, उसके रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ना राइट टू फ्रीडम होगा, ना अपने मर्जी से कोई काम कर पाएंगे, ना अपनी मर्जी से जी पाएंगे, ना अपनी मर्जी से हम अनाज उगा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से जॉब कर सकते हैं, और अपने कमाई में से बहुत सारा पैसा ब्रिटिशर्स को या उस कॉलोनियल कंट्री को देना पड़ता है एज ए टैक्स के रूप में। जी हाँ, कॉलोनियल कंट्री हमेशा अपना भला सोचती है, अपने सिटीजन के ऊपर ढेर सारा टैक्स लगाती है और उन्हें परेशान करती है और उन्हें गरीब बनाती है, कभी उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती। जबकि इसका अपोजिट हमारी गवर्नमेंट होती है, सरकार, जिसको हमने चुना है। सरकार हमेशा ऐसे लॉ बनाती है जिससे गरीबों का भला हो, टैक्स कम करो, कर्ज माफी करो, ये सरकार करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की निशानी है। तो स्टूडेंट्स, ये बात हो गई कॉलोनी की और कॉलोनाइजेशन की। अब हम बात करेंगे कॉलोनी का इफेक्ट क्या पड़ा, इंडिया में कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ा, कि क्यों इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे और दूसरी बार जब आ गए तो उन्होंने कॉलोनी तो बना दी, ये भी क्लियर है, लेकिन कॉलोनी बनाने के बाद इफेक्ट क्या नजर आया, व्हाट इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन वर विजिबल इन इंडिया, कि कॉलोनाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, तो उसकी बात हम करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, कॉलोनी और कॉलोनाइजेशन को पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि कॉलोनाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ। जी हाँ, हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में जो कॉलोनी बनाई थी, ये तो हमने जान लिया कॉलोनी क्या होती है। फिर हमने देखा कि उन्होंने किस प्रोसेस से कॉलोनाइजेशन किया, वो भी देख लिया। तो उसका असर क्या पड़ा, क्या इफेक्ट निकला ब्रिटिशर्स का कॉन्क्योर करने का, हम इंडियंस के ऊपर रूल करने का, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन इंडिया, इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर कॉलोनाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कॉन्क्योर किया, ये क्लियर है, कब्जा किया, लेकिन कैसे, रूल करने के बहाने से, ट्रेड करने के बहाने से ना। ब्रिटिशर्स, ये बात आप सभी जानते होंगे, शुरू से पढ़ते हैं कि ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड इंडिया, उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाया, कॉलोनाइज्ड इंडिया, दे केम, दे केम फॉर ट्रेड एंड कॉन्कर्ड, वो आए थे व्यापार करने के बहाने से, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, कब्जा, कॉन्कर्ड मतलब क्या होता है, कब्जा। तो ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज इंडिया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, यानी ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कॉलोनी बनाई, इंडिया को कॉलोनाइज कर दिया। दूसरा, ये आए क्यों थे भाई, आए थे ट्रेड के बहाने से, व्यापार करने के बहाने से, कि इंडिया में कॉटन मिलता है, स्पाइसेस मिलते हैं, सिल्क मिलता है, बहुत अच्छा है, इंडिया से व्यापार किया जा सकता है। लेकिन जब ट्रेड करने आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारा रिसोर्सेस है और इंडिया को कब्जा कर लिया जाए तो सारा रिसोर्स अपना खुद का हो जाएगा, ट्रेड करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, वरना कब्जा कर लेंगे तो सब कुछ अपना ही हो जाएगा, पैसा मिलेगा उल्टा। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉलोनाइज्ड इंडिया, दे केम फॉर ट्रेड एंड कॉन्कर्ड, ट्रेड करने आए और राज करने लग गया हमारे ऊपर। ये हमारी गलती थी कि हमने उन्हें राज करने दिया, ठीक है, ट्रेड करने दिया, पहली बात तो ये होगी। दूसरा,
सबसे पहली बात आप क्लियर कर लीजिए, कॉलोनाइज किया था उन्होंने। दूसरी बात ये कि उन्होंने हम इंडियन से ही पैसा लिया और हम इंडियन के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। जी हाँ, दे कलेक्टेड टैक्स रिवेन्यू फ्रॉम इंडियंस एंड यूज्ड टू मीट देयर एक्सपेंसेस, यानी कि उन्होंने हम लोगों से पैसा लिया, सारे इंडियंस के ऊपर टैक्स लगाते थे और उस टैक्स के पैसे से सारा अपना खर्चा चलाते थे। स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे तो आपको पता उनकी आर्मी थी, उनके पास हथियार सब कुछ था, बंदूक के घोड़ा वगैरह गाड़ी वगैरह सब हुआ करती थी। तो इन सब का खर्चा कहां से आएगा? सैनिकों को देने के लिए पेमेंट, हथियार खरीदने के लिए पैसा, उनके खाने के लिए जो भोजन फूड ये सब चाहिए कहां से मिलेगा? तो क्या करते थे, अपने देश से पैसा नहीं लाते थे, वो इंडियन से ही टैक्स वसूलते थे। इंडियंस के ऊपर टैक्स लगाओ, इंडियन से पैसा लो, अपनी आर्मी स्ट्रांग बनाओ और वही आर्मी को फिर से इंडियंस को मारने लगाओ। यानी साइकिल देखो, हमसे पैसा लेंगे, अपनी आर्मी स्ट्रांग बनाएंगे, फिर अपनी आर्मी को बोलेंगे कि इंडियंस के ऊपर ही अत्याचार करो, इंडियंस को कंट्रोल करो। यानी हमारे पैसे से ही वो हमें ही कंट्रोल कर रहे थे। ठीक, दे इंपोज्ड टैक्सेस, उन्होंने टैक्स लगाया या रिवेन्यू कह सकते हैं हम, टैक्स रिवेन्यू एक ही होता है। दे इंपोज टैक्सेस और रिवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस, यानी अपने खर्चे निकालने के लिए, टू मीट देयर एक्सपेंसेस, अपने खर्चे निकालने के लिए ऐसा किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। जी हाँ, टू मीट देयर एक्सपेंसेस, ये क्लियर है। तो दे इंपोज टैक्सेस रिवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस। तीसरी बात कि ब्रिटिशर्स को जो चाहिए होता है वही उगाते थे। यानी कि मान लीजिए ब्रिटिशर्स को चाहिए क्रॉप में इंडिगो, तो इंडिया में इंडिगो उगाते थे। स्टूडेंट बताते हैं इंडिगो मतलब नील की खेती, उजाला चार बूंद वाला नील, पता होगा ना आपको, नील जो जाते हैं। तो अभी तो केमिकल से बनता है, लेकिन पहले क्या होता था, प्लांट से बनता था। जी हाँ, पहले एक प्लांट आता था इंडिगो, उसी प्लांट से नील बनता था। तो उस प्लांट को उगाने से खेत में, खेत की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। एक बार आपने खेत में इंडिगो उगाया तो आने वाले 2-3 सालों तक आप ना राइस उगा पाएंगे ना वीट उगा पाएंगे, क्योंकि वो फर्टिलिटी खराब कर देता सॉइल की। और ब्रिटेन में भी ऐसा काम होता था इंडिगो उगाने का, यूरोप में भी, लेकिन ब्रिटेन के लोग, यूरोप के लोग इंडिगो नहीं उगाते थे, क्योंकि उनका इंडिगो थोड़ा सा खराब क्वालिटी का था और उगाएंगे इंडिगो तो खेत खराब हो जाएंगे, तो इसकी वजह से वो ऐसा काम नहीं करते थे। तो ब्रिटिशर्स जब अपना क्रॉप हमसे उगवाते, जो उन्हें चाहिए होता वो उगवाते, उनके खेत खराब नहीं होने चाहिए और उनके खेत की फर्टिलिटी सही रहनी चाहिए और उनके पास अच्छी क्वालिटी का इंडिगो नहीं उगता था, इसलिए वो इंडियंस से पैसा लेते थे, इंडियंस के पास से क्रॉप उगाते थे जो क्रॉप उन्हें चाहिए होता है। यूरोप में मान लो जरूरत पड़ी है इंडिगो की नील की, तो क्या करेंगे, इंडिया आएंगे, इंडिया के फार्मर्स को फोर्स करेंगे जबरदस्ती कि इंडिगो उगाओ, फिर वो इंडिगो हमसे छीन लेंगे या खरीद लेंगे एकदम कम से कम लोवेस्ट रेट पर, और फिर ले जाकर अपने देश बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और इंडियंस के ऊपर टैक्स भी लगाएंगे और बहुत कम कीमत में इंडिगो खरीदेंगे भी। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, अब देखो बताते हैं वो क्या करते थे, किसानों को लोन देते थे कि आप इतना पैसा लो जाओ इंडिगो उगाओ। तो किसान क्या करता था, पैसा लेके इंडिगो उगा लेता था खेत पे। तब दूसरा फायदा देखिए क्या होगा ब्रिटिशर्स को, अब किसान ने इंडिगो उगाया तो किसान लोन लेके उगाया है, तो उसको इंडिगो उगाने के बाद लोन भी चुकाना है, टैक्स भी देना है, और बचा कुचा इंडिगो खा सकता है क्या? वो नहीं खा सकता। बचा कुचा इंडिगो वो बेचेगा तो उसे थोड़ा पैसा मिलेगा, उस थोड़े पैसे से गेहूं चावल खरीदना पड़ेगा। अगर वो चाहे मान लो किसी साल, किसी आज का किसान, जैसे मैं किसान हूं, मैंने आज इंडिगो उगा लिया खेत में, ठीक है, लेकिन अगले साल मेरा मूड हो रहा है कि मैं इंडिगो नहीं उगाऊंगा, ब्रिटिशर से कोई लोन नहीं लूंगा, लेकिन फिर क्या होगा, जब मैं इंडिगो उगाने जाऊंगा तो उगेगा क्या इंडिगो? नहीं, क्योंकि मैंने भाई इस साल इंडिगो लगाया है, 2 साल बाद तो फर्टिलिटी तो खराब हो गई है, फर्टिलिटी खराब होगी तो गेहूं चावल चाह के भी नहीं उगा पाऊंगा। तो चाह कर भी हमें ब्रिटिशर्स के ही अलग ही रहना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था किसानों को, कि एक बार इंडिगो उगा दिया तो फंस गए किसान उनके जान में ब्रिटिशर्स के। अब ब्रिटिशर क्या करेंगे, बोलेंगे कि अब इंडिगो उगाओ, नहीं उगाओगे तो जाओ गेहूं चावल उगा कर देखो, उगेगा नहीं, ऑप्शन क्या बचेगा, फिर इंडिगो पे आएंगे, फिर लोन लेंगे। तो पूरी प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी, यानी ब्रिटिशर्स इंडियन किसानों को अपने जाल में, अपने शिकंजे में फंसा लेते थे सिर्फ इसी वजह से। ठीक, तो दे इंपोज हैवी टैक्स रिवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस, दे ग्रू क्रॉप्स विच दे नीडेड, उन्होंने वो क्रॉप्स उगवाए, वो फसलें उगवाई जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी। ठीक, उन्होंने क्या किया, पूरे कंट्री पे, पूरे इंडिया पे कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। जी हाँ, पूरा कब्जा कर लिया, दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल, दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल, उन्होंने क्या किया, पूरा कंट्रोल स्थापित कर दिया। किस चीज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, हमारे समाज के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर। दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ओवर सोसाइटी, सोसाइटी में किसानों को फोर्स करके इंडिगो उगाओ, और इकोनॉमी कब्जा किया टैक्स देके। अब देश की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति, यानी देश अमीर होगा गरीब होगा, ये सब किसके हाथ में था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, हमारे ऊपर कब्जा करके
हमें क्या किया था, इंडिगो फोर्स किया था उगाने के लिए कि हम इंडिगो ही उगाएं। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने, किसकी, इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स हमने बात की इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन इंडिया में हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज इंडिया, दे केम फॉर ट्रेड एंड कॉन्कर्ड। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, वो ट्रेड व्यापार करने के बहाने से और देश पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज इंडिया, दे केम फॉर ट्रेड एंड कॉन्कर्ड। दूसरी बात, दे इम्पोज टैक्सेस रिवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस। उन्होंने खूब सारा टैक्सेस बढ़ाया, खूब सारा इंडियंस के ऊपर प्रेशराइज किया, खूब सारा इंडियंस के ऊपर जुर्माना लगाया। दे इम्पोज टैक्सेस रिवेन्यू, टैक्स मतलब रिवेन्यू टैक्स, एंड जो भी चीज उगाते हैं उसका कुछ परसेंट, जैसे किसान ने 100 किलो चावल उगाया खेत में तो 10% उसका अंग्रेजों को देना पड़ता था, कुछ ऐसा, ठीक है। दे इम्पोज टैक्सेस रिवेन्यू टू मीट देयर एक्सपेंसेस। तीसरी बात, दे ग्रो क्रॉप्स विच दे नीडेड। ब्रिटिशर्स लोग वही क्रॉप इंडिया में उगाते थे, हम इंडियंस से ब्रिटिशर्स लोग वही उगाते थे जो उनको ब्रिटेन में आवश्यकता होती थी, यानी जो उन्हें इंग्लैंड में चाहिए, यूरोप में जो चाहिए बेच के पैसा कमाएंगे, वो हम इंडियन से उगाते थे। इंडिगो खेत खराब करता था, खेत की फर्टिलिटी खराब करता था, इंडिगो खाया भी नहीं जा सकता, तो किसान क्या रहेंगे, मजबूर रहेंगे और हमेशा अंग्रेजों के सामने हाथ फैला के रहेंगे कि हमें पैसा दे दो हम इंडिगो उगा लें, हमें पैसा दे दो हम राशन खरीद लें, गेहूं चावल खरीद लें। वरना किसान के पास गेहूं चावल होता तो किसान अंग्रेजों से आगे हाथ नहीं फैलाता कि हमें नहीं चाहिए पैसा तुम्हारा, हमें नहीं चाहिए इंडिगो नहीं उगाना, क्योंकि हमारे पास गेहूं चावल हम खाएंगे खुश रहेंगे। बट ये नहीं होने देते थे ब्रिटिशर्स, इससे जबरदस्ती वही उगाते थे जो उन्हें जरूरत होती थी, जिससे इंडियंस कंट्रोल में रहे उनके, और दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर सोसाइटी एंड इकोनॉमी। इस तरह से उन्होंने क्या किया, सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जी हाँ, ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए पूरी सोसाइटी और पूरे इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने। तो स्टूडेंट्स ये बात हो गई कॉलोनी कॉलोनाइजेशन और इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। सो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है कि हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये सारे काम किए। जी हाँ, हाउ डू वी नो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतने गलत काम किए, उन्होंने इंडिगो उगाया, उन्होंने टैक्सेस लिए, रिवेन्यू लिए, इंडिया पे कब्जा किया, इंडिया को कॉलोनाइज किया, ये सब हम कैसे जानते हैं। और हम मतलब हिस्टोरियन ने लिखी है बुक, हिस्ट्री की बुक आपकी, तो उन हिस्टोरियंस को कैसे पता चला किस डेट को क्या हुआ है, सब बातें उसमें पता कैसे चलती है, हिस्टोरियन लोग लिखते कैसे हैं और ये सारी जानकारी हमें कैसे मिल रही है। तो जी हाँ, इसका जवाब क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। जी हाँ, हमारी जो सरकार है, हमारा जो शासन करने वाला है, गवर्नमेंट है, वो हमें रिकॉर्ड्स देती है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, हमें रिकॉर्ड्स दस्तावेज मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, लिखित फॉर्म में सब कुछ मिलता है, जिससे हम पता कर पाते हैं कि हाँ अंग्रेजों के समय ऐसा ऐसा होता था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन कर रही है, कौन शासन कर रही है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है फिलहाल, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और प्रूफ होंगे जो ब्रिटिशर्स लोग अपने पास रखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल, रूल करने के लिए इंग्लैंड की महारानी तो इंडिया नहीं आती थी, तो वहां से ऑर्डर देती थी और वो ऑर्डर का लेटर यहाँ पहुंचता था और यहाँ से फिर ब्रिटिशर लोग ने कितना पैसा लूटा, कितना टैक्स लगाया, कितना काम किया, उसका लेटर में लिखे के डॉक्यूमेंट बना के भेजते थे। तो यही सारे डॉक्यूमेंट्स, यही सारे रिकॉर्ड जो है, लेटर एंट्री डायरी में लिखा हुआ, रजिस्टर में लिखा हुआ, सब हमारे पास मौजूद है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने इतना गलत काम कैसे किया, ब्रिटिशर्स ने अत्याचार कैसे किया और कितने कितने उन्होंने गलत काम किए, कैसे इंडिया पे कब्जा किया। तो चलिए उसी बात को मैं करना है। स्टूडेंट्स जितने भी सोर्स थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड्स, डायरी एंट्री, डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कागजात, ये सारे चीजें जो है उन्हीं से हमें पता चलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या काम करती थी, कौन से अत्याचार वो करते थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हम इंडियंस के ऊपर कितना टैक्स लगाया, कैसे टैक्स लगाया, हमें क्या जबरदस्ती उगाने लगाते थे, वो ये सारी बातें हमने जानी। कहां से जानी है, सब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो रिकॉर्ड से हमने बातें जानी है उसका असर क्या हुआ, क्या हमने उनसे सीखा और कौन कौन से रिकॉर्ड से हमें पता चलता है, इसकी बात हम करते हैं। सो स्टूडेंट्स वो सारे मीडियम, वो सारे मेथड जिनसे हमें पता चलता है, वो सारे सबूत एविडेंस जिनसे हमें पता चला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कौन से अत्याचार करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन से रूल्स रेगुलेशन लिखाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा कॉलोनाइजेशन सिस्टम अपनाया था, कैसे इंडिया को कॉलोनाइज किया, कैसे कॉलोनी बनाई, ये सारी बातें जो हमें पता चलती हैं कुछ खास चीजों से, कुछ खास सबूत है। जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑफिशियल मतलब होता है औपचारिक, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जो सरकारी कागजात है जिसमें लिखा होगा कि हाँ हमने क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर दिया था, हमने इंडियंस से एक साल में इतने करोड़ रुपए टैक्स के रूप में वसूले, हमने इंडियंस को जबरदस्ती इतना उगाने लगाया था इंडिगो और पूरे देश में किसानों ने इतना इंडिगो प्रोडक्शन किया था और हम यूरोप में इतना ले जाकर बेचने गए थे। तो ये रिकॉर्ड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस में रखे हैं, जो लोग अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, अपना काम का संभालने के लिए लिखते थे, वो सब हमें पता चलता है। दूसरा, प्रेजेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर, और वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड जरूरी दस्तावेज
और लेटर, पत्र मतलब जो वहां के गवर्नमेंट लिखती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा आपको बताया क्वीन एलिजाबेथ तो खुद रूल करेगी नहीं, वो क्या करेगी, वहां से ऑर्डर भेजेगी इनको और ये लोग रूल करते थे, तो वो ऑर्डर के लेटर्स, और यहां से जब जवाब जाता था कि हमने इंडिया में इतना कंट्रोल किया, इंडियन से इतना टैक्स वसूला है, इतना पैसा लिया है, उनके ऊपर इतना खर्चा किया है, इंडियंस को इतने लोगों की लाइफ दी है, इतने लोगों से हमने जबरदस्ती इतना सामान उगवाया, इतना इंडिगो उगवाया है, सब रिकॉर्ड जो होता था वो वापस जाता था। तो ये ऑफिशियल लेटर्स डॉक्यूमेंट्स जो हमें बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या गलत काम किए। तीसरा, रिपोर्ट्स टू होम डिपार्टमेंट, और जो गृह मंत्रालय है, होम डिपार्टमेंट है, उसकी रिपोर्ट्स, यानी हमारी गवर्नमेंट के पास जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया छोड़कर गई तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडओवर किए गए, जिससे हमें पता चला कि हमारे पास्ट में हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें हमें जानने मिली उन्हीं डॉक्यूमेंट्स से, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम पता लगा पाए कि ब्रिटिशर्स ने क्या गलत किया था। स्टूडेंट्स, और होते हैं सर्वेस की वजह से, सर्वे करना मतलब ये होता है कि लोगों से पूछना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके एक प्रॉपर नैरेटिव बनाना, यानी कि एक स्टोरी जैसा बना देना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, सबसे पूछकर। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिपेंडेंस के वक्त थे, आजादी के वक्त, वो तो अभी फिलहाल 75 इयर्स हो गए, तो उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को बताया होगा, उनके जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे या उनके जो नाती पोते उनको बताया होगा, तो ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया तो उन्होंने पढ़ा कि मेरे दादाजी ने बताया था कि ब्रिटिशर्स हमसे जबरदस्ती इंडिगो उगवाते थे। कि सर्वे करने पे किसी से पता चला कि ब्रिटिशर्स लोग जबरदस्ती कॉलोनी बनाते थे और हमें फोर्स करते थे कि इंडिगो हम उगाएं, और जबरदस्ती हमसे 10% टैक्स लेते थे और हमें कभी पैसा नहीं दिया। ये सारी बातें जो है उनके ग्रैंडपेरेंट्स सर्वे में पता चलती है, तो हमें पता चलता है कि हाँ कि हमारे पूर्वज के साथ ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था, वो लोग बताते हैं, तो ये सर्वे होता है। और तो सर्वे करने पर खुदाई में बहुत सारी पुरानी चीजें निकलती है, डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं या कुछ ऐसा चीज मिलता है जो निशानी होता है कि हाँ ब्रिटिशर्स ने गलत किया था। और तो और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो अपने पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं कि हम इंडिया में इतना पैसा कमाए थे, इंडिया से इतना पैसा लूटे थे, इंडियन से इतना टैक्स लिया था, ये सारी बातें जो है गवर्नमेंट की होती है, जिससे पता चलता है कि हाँ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया था, ऐसे कॉलोनी बनाई थी, फिर कॉलोनाइजेशन किया, कॉन्कर किया और रूल करने लग गए और खूब सारे रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट किया और इंडिया को, इंडिया की सोसाइटी और इंडिया को इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। तो ये बात हमें पता चलती है स्टूडेंट। तो ये हमने बात की किसकी, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड की, हमें पता कैसे चलता है। सो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में हमने बात की कॉलोनी की, साथ ही साथ हमने देखा कि कॉलोनाइजेशन क्या होता है, हमने देखा कि कॉलोनी किसे कहते हैं और कॉलोनाइजेशन क्या होता है। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के डोमिनेशन में आती है तो उसे कॉलोनी कहते हैं, और डोमिनेशन के आने के बाद पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं तो उसे हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या देखने मिला, ब्रिटिशर्स ट्रेड करने आए, कॉन्कर कर लिया, उन्होंने हम पे रूल एस्टैब्लिश किया, उन्होंने क्या किया, हम पे हैवी टैक्सेस, रिवेन्यू लगाया, उन्होंने वो क्रॉप्स उगाए जो उनको जरूरत थी, उन्होंने हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी पे कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। ये बातें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि इसका पूरी तरह से हमारी सोसाइटी पे इफेक्ट क्या हुआ, ये हमने बात कर लिया। अब उसका असर क्या हुआ, वो कैसे हम सब बातें जान पाए, जो भी चीजें हुई, कॉलोनी हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ, उसका इफेक्ट हुआ, ये सब पता कैसे चलता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है, किस प्रकार के रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, सर्वेज, और एडमिनिस्ट्रेशन जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करती है, गवर्नमेंट जो रिकॉर्ड देती है, उससे हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ गौर करने वाली, ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी रिकॉर्ड्स है वो सब हमें गवर्नमेंट से मिलते हैं, और ब्रिटिशर जो भी गलत काम किया करते थे, चाहे हमसे रिवेन्यू लेना हो, जबरदस्ती इंडिगो हुआ ना हो, या फिर इंडियंस के ऊपर अत्याचार करना हो, रिसोर्सेज लूटने की बात हो, ये सब कुछ ऑफिशियल लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स में प्रेजेंट होता है, जो हमें कहां से मिलता है, हमारी गवर्नमेंट से और ब्रिटिश ऑफिशियल से मिलता है, जिससे हम ये जान पाए कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, और यही हिस्टोरियंस इसकी मदद से अपनी स्टोरी लिखते हैं, हमें हिस्ट्री पढ़ने मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप देखते रहिए हमारा चैनल विद्या स्थली वाले।